तो दोस्तों ये जो धक्का दृश्य खुद से लोगों ने दिया उसका मैं जिक्र कर रहा था कि वहां मैं 74 में हजरत के पास था मदीना तैयबा में, तो उसी वक्त वहां इत्तला आई कि हजरत के नवासे हजरत मौलाना हारून साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हजरत के पास फिर और खुतूत आने शुरू हुए, हिंदुस्तान पाकिस्तान मुख्तलिफ जगहों से ताजियत के सिलसिले में। तो मौलाना साहब की वालदा मोहतरमा का एक अरीजा अब्बाजी के नाम आया, उन्होंने अपने अरीजे में हजरत से फरियाद की और लिखा कि अब्बा जी आपको तो अल्लाह की तरफ से मालूम ही होगा कि मरहूम को किसने मारा, क्योंकि जैसे हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब नबरल्लाहु मरकदहु तो बिल्कुल पाकिस्तान तशरीफ ले गए ठीक ठाक और अभी कोई 46 बरस की मुश्किल से उम्र होगी, बिल्कुल तंदुरुस्त, रोज सुनते थे कि आज फलां जगह 2 घंटे बयान हुआ, वहां इतने घंटे बयान हुआ, नाश्ता किया और पता नहीं क्या कोई पेट में गिजा पहुंची और खून शुरू हुआ और हॉस्पिटल ले जा रहे थे कि रस्ते ही में अल्लाह को प्यारे हो गए। तो उनके साहबजादे मौलाना हारून साहब उनसे भी कम उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए, तो जाहिर है कि और वो अभी तो बहुत कम उम्र थे मौलाना साहब साहब। तो उनकी वालिदा ने हजरत को फरियाद की कि अब्बा जी आपको पहले तजर्बा अपने खुसर साहब का उन्हें मालूम हुआ होगा, तो उनसे भी कम उम्री में शोहर चले गए मौलाना हारून साहब। तो मौलाना हारून साहब की मौलाना एहलिया ने मौलाना साहब साहब की वालदा ने हजरत को लिखा कि अब्बा जी आपको तो अल्लाह की तरफ से मालूम ही होगा कि मरहूम के साथ किसने क्या किया। ये अल्फाज थे उनके कि मैंने सुनाया था हजरत को, खत और जवाब भी उन्होंने मुझसे लिखवाया, हजरत ने मुझसे लिखवाया था कि वो उसमें लिखती हैं कि मरहूम के साथ किसने क्या किया, किसने जहर दिया, किसने सहर किया, किसने मारा, क्यों मारा। तो आप मुझे, मैं अल्लाह का वास्ता देकर अब्बा जी आपसे सवाल करती हूँ कि उस शख्स का प्लीज मुझे नाम बता दें ताकि मैं उम्र भर हाथ फैलाकर उसे कोसती रहूं और मालिक से उस पर लानत भिजवाती रहूं। तो हजरत ने सारा खत सुनकर लिखवाया, उसमें आगे हजरत ने लिखवाया कि मेरी बच्ची, यही अलवाज, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी, मेरी लाडली, तू ये कभी ना सोचना कि मरहूम के साथ किसने क्या किया। मैं न लिखवाता मगर सिर्फ और सिर्फ तेरी दिलदारी के खातिर लिखवाता हूं कि एक शख्स मेरे यहां आता था और मुझे मालूम था कि ये मुझ पर जादू करने के लिए इसे मेरे पास भेजा जा रहा है, लेकिन वो शख्स जब मेरे पास आता था तो मैं हमेशा उसे मुर्ग ही खिलाता था, मेरे यहां नहीं होता था तो कहीं से हासिल करके भी उसे मुर्ग ही खिलाता था। इसलिए यह न सोचना कि मरहूम के साथ किसने किया गया, बल्कि उनके लिए साले। फिर आगे उन्होंने हजरत ने अपनी नवासी को तसल्ली दी और फरमाया कि ये शकवों और शिकायतों और फरियाद की तो उन्हें मरहूम को इत्तला भी नहीं होती होगी, उन्हें इत्तला होगी जब तुम उनके लिए साले सवाब करोगे, सदका खैरात करोगे, सवाब पहुंचेगा तो उन्हें फायदा भी होगा और तुम्हें याद भी करेंगे। ये खत खत्म करके फिर हजरत ने एक और खत लिखवाया, वो लिखवाया किन के नाम, उनके अब्बा के नाम, यानी मौलाना साहब साहब के नाना जान के नाम। हजरत नाना जान कौन थे, हजरत मौलाना इजहारुल हसन साहब। एक दफे हम हजरत शेख कुद्दुस रूह के मौतकब से ईद के दूसरे तीसरे दिन निकले और अभी हजरत वही मुकीम थे रमजान मुबारक के बाद, हजारों आदमी होते थे तो वहां अगर हजरत कच्चे घर में चले जाए तो मेहमान फिर यहाँ रोज
अकेले रहेंगे तो इसलिए हजरत मेहमानों के कम हो जाने तक जितने जितनों की वहाँ गुंजाइश हो उसके बाद वहाँ तक हजरत दार जदीद में क़याम फरमाते थे। तो हजरत से मिल करके हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो हजरत मौलाना इज़हार साहब वहाँ बैठे हुए हैं और वो भी रो रहे हैं। हमें देखा कि वो रोते हुए दोनों भाई निकल रहे हैं तो रोते हुए उन्होंने एक पर्चा लिया अशार से भरा हुआ, अशार लिखे हुए सारे के सारे, कहीं होगा मेरे पास अभी भी हो तो उनके नाम। वो अभी किसी से बात करीब में हुई थी तो कहने लगे वो मुझे नहीं मालूम था कि मौलाना इज़हार साहब के नाना होते हैं मौलाना इज़हार साहब। उनके जो सहारनपुर में हजरत के आप पूरे रमजान में यासीन के बाद की दुआ कराते थे तरावी के बाद, मैंने कहा वही उनके नाना मौलाना इज़हार साहब के नाना मौलाना इज़हार साहब। तो उनके नाम हजरत ने गिरामी नामा लिखवाया कि अजीज़ मौली इज़हार सल्लमहु बासलाम मसनू, जो मजमून था ताज़ियत का मौलाना हारून साहब के विसाल के सिलसिले में वो लिखवाया। और उसके बाद भी हजरत ने लिखवाया, चूंकि मैंने लिखा था इसलिए वो खत भी शायद उनके पास है अभी, तो उसमें हजरत ने लिखवाया कि मौलाना इज़हार साहब के नाम लिखवाया उस खत में कि मौलवी इनाम के बाद आप हैं और आप साहब की ऐसी तरबियत फरमाएं जिससे वो अपने दादा और परदादा की जगह संभालने के काबिल हो सके। तो हजरत को क्या मालूम कि मौलाना इज़हार साहब पहले इंतकाल करेंगे या मौलाना इनामुल हसन साहब पहले इंतकाल करेंगे। साफ फरमाया उसमें कि मौली इनाम के बाद आप हैं। चुनांचे आपने देखा कि मौलाना इनामुल हसन साहब का इंतकाल हुआ और उसके बाद हजरत मौलाना इज़हार साहब ने माशाल्लाह चूंकि सारी उम्र से वही थे इसामुद्दीन में और इल्म का पहाड़ थे वो जबरदस्त, क्या उर्दू क्या फारसी क्या अरबी क्या किताबें, और रूहानियत में क्या थे कि इंतकाल कैसे हुआ कि वो मशवरा हो रहा है सुबह 10 बजे के, चलो भाई दिन भर के लिए क्या काम होंगे, क्या बयान होगा, कौन सी जमात कहाँ जाएगी और कौन से जमात आ रही है उसके लिए क्या नज़म करना है, वो बातें सबसे हो रही है, सब चारों तरफ मजमा पूरा कमरा भरा हुआ है। अचानक आसमान की तरफ मरहबा मरहबा आइए आइए तशरीफ लाइए सलाम अलैकुम करके चले गए। ऊपर से लेने के लिए भाई जिस तरह भाईजान ने आसमान वालों का सलाम अलैकुम तो बिल्कुल हूबहू दोनों, मैंने वो कहते ना आशिक माशूक इतनी मोहब्बत थी हम दोनों भाइयों से इतनी ज्यादा, तो एक ही अंदाज से दोनों गए। तो मैंने कहा धक्का हजरत शेख का कैसा कि हजरत को क्या मालूम कि मौलाना इनामुल हसन साहब का इंतकाल पहले होगा या मौलाना इज़हार साहब का पहले इंतकाल होगा, लेकिन हजरत क्या साफ लिखवा रहे हैं कि मौलवी इनाम के बाद आप हैं और आप साहब की ऐसी तरबियत फरमाए जिससे वो अपने दादा और परदादा की जगह संभालने के काबिल हो सके। तो अभी माशाल्लाह औरंगाबाद के इज्तिमा के बाद अभी वो मलेशिया और इंडोनेशिया की जो खबरें आ रही हैं कि क्या हजरत शेख कुद्दुस रूह की दुआओं में और हजरत के धक्के में क्या तासीर थी और कितने तवील कितना ये तारीख हजरत शेख कुद्दुस रूह ने बना दी सारी दुनिया के मुल्कों की, क्या इंग्लैंड की क्या साउथ अफ्रीका की। अब आप साउथ अफ्रीका जाएं तो जी खुश हो जाएगा, इस मौसम में तो बहार है कि यहाँ बुखारी शरीफ खत्म हो रही है, वहां फला हदीस की किताब खत्म हो रही है, तो अल्लाह तबारक व ताला इस मस्जिद में ये जो तकरीबात का बुखारी शरीफ का और हिफ्ज के सिलसिले की तकरीबात का सिलसिला है कयामत तक के लिए अल्लाह इसे बाकी صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.